तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। तो बात करते हैं पहले ओडीआई में। भारत ने जबरदस्त खेल दिखाया, साउथ अफ्रीका को धूल चटा दिया, पूरी तरह एक तरफा मैच कर दिया। भारत का हर डिपार्टमेंट में सुपर हिट रहा। भारत ने साउथ अफ्रीका को 116 पर ऑल आउट कर दिया, 2 विकेट खोकर टारगेट चेस कर लिया और सीरीज में 1 की लीड भी ले ली। तो बात करते हैं सीरीज के सेकेंड ओडीआई मैच की, जो कि 19 दिसंबर को एसटी जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच सीम बॉलिंग के लिए बेस्ट और काफी सुटेबल है, जिसमें फास्ट बॉलर और स्पिनरों को ब्रेक थ्रू मिल रही है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन बारिश की संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी लगभग मौसम क्लियर ही रहेगा। वहीं अगर टेम्परेचर देखें जहां पे आप 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगर टॉस प्रिडिक्शन की बात किया जाए तो यहां पर टॉस जीतने वाली टीम को पहले फील्डिंग कर सकती है। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल मैच 91 खेले गए, जहां पे इंडिया 38 मैच जीत के आ रही है तो साउथ अफ्रीका 50 मैच जीत के आ रही है। आगे बढ़ते हैं, पहली टीम टीम इंडिया का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो पहले मैच में टीम का हर डिपार्टमेंट हिट था और टीम के सभी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर बैटिंग की बात करें तो टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि टारगेट छोड़ा था तो सभी बैट्समैन टेस्ट नहीं हुई। ओपनिंग में बात करें तो जहां पर ऋतुज गायकवाड़ फेल थे, साई सुदर्शन ने डिब्यू मैच में ही इफेक्टिंग इनिंग खेल 50 मारा। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर ने भी 50 मारा, जहां पर तिलक वर्मा को ज्यादा चांस नहीं मिला। मिडिल ऑर्डर में कप्तान केएल राहुल एंड संजू सैमसन, टीम में ऑलराउंडर अक्षर पटेल है। रिंकू सिंह को ओडीआई डिब्यूट के लिए वेट करना होगा। लास्ट गेम में टीम की बॉलिंग सुपर हिट थी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि टीम की ऐसी बॉलिंग करेगी। फास्ट बॉलर की बात करें तो जहां पे अर्शदीप सिंह ने तो तहलका मचा दिया, उन्होंने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 37 रन देकर 5 विकेट निकाला था, मैन ऑफ द मैच भी थे। वहीं सेकेंड बॉलर की बात करें तो जहां पे आवेश खान ने जिन्होंने 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे। मुकेश कुमार लास्ट गेम में विकेट लेस थे। स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे कुलदीप यादव और अक्षर पटेल है। वहीं अगर की प्लेयर की बात किया जाए तो जहां पे केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर और मुकेश कुमार है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम साउथ अफ्रीका का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट गेम में टीम बुरी तरह फ्लॉप थी, बैटिंग में तो टीम का कोई भी बैटर 50 रन नहीं बना पाए। वहीं ओपनिंग की बात करें तो जहां पे रिजा हेंड्रिक्स और टोनी दे जॉर्जी दोनों फ्लॉप थे। नंबर 3 पर रसिन डुसेन भी 0 रन बनाकर आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में जहां पे कैप्टन एडम मकराम एंड क्लेसन की जोड़ी टीम को बैलेंस देती है। लो मिडिल ऑर्डर में बात करें तो काफी सुटेबल नजर आ रहा, इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर डेविड मिलर है। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो जिसमें वियान मुल्डर और फेल्कोए ये दोनों बॉलिंग को लीड करेंगे। फास्ट बॉलर चाहे नेड्रे बर्गर यंग प्लेयर है, बॉलिंग टीम की यंग है, मेन बॉलर्स को रेट्स दिया गया। वहीं बॉलिंग में जहां पे मेन बॉलर में एंडिल फेल्कोए जो होंगे ऑटेनियल बैट्समैन सीरीज में डिब्यूट कर सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे एक्सपीरियंस केशव महाराज है, तबरेज़ शमसी टीम को लीड करेंगे। अब अगर बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहां पे एडम मकराम है, केशव महाराज है और डेविड मिलर। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब अगर बढ़ते हैं चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर होगा इंडिया, क्योंकि इंडिया की टीम कम बैक कर चुकी है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हार मिल सकती है। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।